ओके तो देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फाइल डॉट लिस्ट फाइल्स भी कर सकते हो। तो जब आप लिस्ट फाइल्स करते हो तो आपके पास फाइल टाइप का एक एरे आ जाता है। अब फाइल का ऑब्जेक्ट है या फाइल का एरे है, सिंगल अगर आप फोर ईच लूप लगा दो इसके ऊपर भी, ठीक है, तो फोर ईच लूप की हेल्प से आप एक एक फाइल को एक्सेस कर सकते हो और फिर उसके साथ में उसका नाम भी गेट कर सकते हो, फाइल डॉट गेट फाइल नेम करके, ठीक है। और उसके बाद आपको बस ये करना होगा कि लूप लगाना है, लूप के अंदर कंडीशन लगा के चेक करना है कि जो फाइल आपके पास आ रही है, जिसका नाम आ रहा है, वो आपके उस वाली फाइल से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा जो लिस्ट में है। और अगर मैच होता है तो आप एरर मैसेज दिखा दो यूजर को, नहीं हो रहा तो फिर ठीक है आगे बढ़ जाओ। ऐसे करते करते पूरा एरे चेक हो जाएगा, अगर पूरे एरे में कहीं भी फाइल नहीं मिली तो दैट मीन्स कि हम फाइल को राइट कर सकते हैं, राइट। तो एक तरह से कोई सर्च वाला ऑप्शन यूज हो जाएगा, जो हमने एरे में सीखा था सर्च का ऑप्शन वो लगा देंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से आप काम करवा देंगे, आया समझ में? तो इस तरह से आपके पास सारी लिस्ट ऑफ फाइल्स आ जाएगी, कह रहे हैं यहाँ तक। तो इस ऑप्शन का यूज करके आपको लॉजिक बनाना है कि ओवरराइटिंग से कैसे बचना है। ओके अब इसके बाद आगे का देखते हैं। तो यहाँ तक तो हमारा टेक्स्ट एडिटर कंप्लीट है, बाकी जो बोनस कंटेंट मैं बोल रही हूँ। जैसे हाँ कर्सर के हिसाब से ये एडजस्ट करना है कि आगे आने वाले जो वर्ड्स हैं वो उनका क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं, इसमें क्योंकि हम टेक्स्ट एरिया का कर रहे हैं ना, तो इस वजह से नहीं कर पाएंगे। या अगर आप एक पर्टिकुलर वैल्यू का ही फॉन्ट चेंज कराना चाहते हो तो उस केस में नहीं हो पाए, क्योंकि यहाँ पर जो हम बोल्ड ऑप्शन फॉन्ट ऑप्शन लगाते हैं वो स्ट्रिंग के ऊपर नहीं लग रहा है, वो हमारे कॉम्पोनेंट पे लगता है फिलहाल के लिए। अगर उतना में भी जाना है ना तो हो सकता है वो चीज भी, लेकिन फिर उसके लिए हमें थोड़ा एडिशनल एफर्ट डालना पड़ता है, इससे नहीं होगा फिलहाल यहाँ पर। अभी हम क्या करते हैं, देखिए फाइल चूजर ऑप्शन क्लियर है आप सभी को, कैसे यूज हो रहे हैं, ठीक है। अब हमारा एक ऐप कंप्लीट हो गया, अब हम आते हैं अपने आवर ऑप्शन पे, ठीक है। थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आया होगा कि हाँ भाई अब हमें कुछ तो समझ में आया है, अगर समझ में आया तो, नहीं आया तो फिर उसकी मैं नहीं कुछ कह सकती, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए अगला ऑप्शन जो हमें सीखना है ना, क्योंकि मैंने क्या कहा था हम छोटे छोटे कॉम्पोनेंट्स तो मैक्सिमम सारे कर ही चुके, अब हमें यहाँ पर क्या लेना है, मेन्यू बार का ऑप्शन भी ले लो। अगर आप लोग मेन्यू बार, मेन्यू और मेन्यू आइटम इन तीनों का कॉम्बिनेशन लेते हो तो आपके पास ना एक प्रॉपर मेन्यू बार, उसके अंदर मेन्यूज और मेन्यू के ऑप्शन सब आ जाएंगे। ओके तो आप क्या करना चाहोगे, अगर आप मेन्यू बार को भी क्रिएट करना चाहते हो तो एक काम करते हैं, आ जाते हैं एक्लिप्स में। यहाँ पे अब लेते हैं एक नया जे फ्रेम, ठीक है, और यहाँ पर हम ले रहे हैं जे मेन्यू डेमो। अब अगर आपको यहाँ पर क्या बनाना है, एक मेन्यू क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम इस पेज पे आते हैं, इस वाले फ्रेम का साइज सेट कर लेते हैं, ओके। एंड आफ्टर दैट आ जाते हैं इसके डिजाइन ऑप्शन। तो पहले तो इसको डिजाइन करना सीखते हैं, आफ्टर दैट इसमें लॉजिक लगाना है, और इसके लॉजिक्स काफी सारे रिपीट भी होने वाले हैं, तो आप लोग खुद बनाएंगे, जो नया होगा वो मैं करूँ, या तो मैं गाइड कर दूंगी या तो मैं करवा दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाले बॉक्स को सबसे पहले तो हम किस पे ले चलते हैं, एब्सोल्यूट पे ले चलते हैं। तो यहाँ पे हम इसमें ऑप्शन पे आएंगे और एब्सोल्यूट ऑप्शन चूज करेंगे, और इसके बाद ये जो फ्रेम आ रहा है, इस फ्रेम में हमें अगर क्या लगाना है, मेन्यू बार लगाना है, तो क्या करना है, देखो यहाँ पे जो नॉर्मल कॉम्पोनेंट्स है ना, यहाँ आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, नीचे मेन्यू का अलग से ऑप्शन है, तो आपको सबसे पहले क्या लगानी है, मेन्यू बार लगानी। तो जे मेन्यू बार को लेना है, और इसको ऐड पता है कहाँ करना है, फ्रेम के टाइटल बार के ऊपर ले जाओगे ना तो कर्सर दिखाएगा, नीचे रहोगे तो नहीं दिखाएगा, तो कहाँ रखना है, टाइटल बार। तो ये फ्रेम में ऐड करेगा इसको, तो यहाँ पर आपकी मेन्यू बार है। अब इस मेन्यू बार में मेन्यूज लगाने हैं तो हम क्या लेंगे, जे मेन्यू। तो जे मेन्यू को आप यहाँ पर ऐड कर दोगे, तो ये आपका पहला मेन्यू आ गया, इसके अंदर F2 प्रेस करके हम इसका नाम रख देते हैं फाइल, ओके। ऐसे ही एक और मेन्यू चाहिए तो जे मेन्यू ले लेते हैं फिर से, अब इसके बगल में ही कर्सर आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे इसको भी F2 करके हम क्या बना देते हैं, एडिट, ओके। ऐसे ही एक और मेन्यू चाहिए तो आप फिर से मेन्यू ले लो और इसको भी इसके साइड पर लगा दो, तो यहाँ पर F2 कर देते हैं, और यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं इसके अंदर, यहाँ पर हम डाल देते हैं सर्च, या फिर एक काम करते हैं
फॉर्मेट बना देते हैं। ओके तो तीन मेन्यू बन गए। अब तीन मेन्यू तो बन गए, अब इसमें मेन्यू आइटम लेना स्टार्ट कर। तो जे मेन्यू आइटम अगर लेना है तो हम फाइल पे चलते हैं और फाइल पे क्लिक करके इसके नीचे जहां लिखा हुआ ऐड आइटम हेयर, यहाँ पे आके क्लिक करें। तो ये मेरी पहली ऑप्शन आ गई, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ न्यू। ओके और इसी तरह से अगर मुझे और भी मेन्यू आइटम क्रिएट करनी है तो इसके बिल्कुल जब नीचे कर्सर आएगा तो आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, टैब्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमने इसका नाम रख दिया, सॉरी इसका नाम क्या रखना था, ओपन। ऐसे ही एक और ऑप्शन बना देते हैं मेन्यू आइटम में और इसका भी हम नाम चेंज करके सेव कर देते हैं। अब इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे अगली ऑप्शन आ गई, यहाँ पे लिख देंगे सेव एस। फिर एक और ले लेते हैं और इसके बाद यहाँ पर हम लगा देते हैं एक्सिट। ओके तो ये बन गया फाइल मेन्यू। ऐसे ही एडिट में आपको ऑप्शंस लगानी है तो यहाँ पे भी कंट्रोल वी कर देते हैं, कॉपी तो कर ही रखा है हमने। और यहाँ पे इसे हम बना देते हैं, लेट सपोज आपको कट का ऑप्शन बनाना या फिर आपको क्या बनाना है, कॉपी का ऑप्शन बनाना या फिर आपको क्या लेना है इसमें, अरे यार गलत जगह पे आ गए, तो आपको क्या करना है इसमें कॉपी के बाद पेस्ट का ऑप्शन लेना, ठीक है, या फिर एक और ऑप्शन डालते हैं सिलेक्ट ऑल या फिर इसी के नीचे एक और ऑप्शन डालते हैं या फिर एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे जो ये ऑप्शन है ना इसको नहीं डालते, इसको डिलीट करते हैं। यहाँ पे अगर मान लो एक मेन्यू में मैं दूसरा मेन्यू लगाना चाहती हूँ, मतलब सब मेन्यू, तो हम वो लगा करेंगे। तो यहाँ पे इस ऑप्शन का नाम मैं रख देती हूँ सर्च एंड रिप्लेस। ओके अब सर्च एंड रिप्लेस है तो यहाँ पे भी मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पर भी मैं अब कंट्रोल भी कर रही हूँ, एडिट में आ जाओ, सर्च एंड रिप्लेस में आ जाओ, यहाँ पे आके हम नया आइटम लगाते हैं। तो नया आइटम जो लगाया है इसका नाम हम क्या रख देंगे, अरे सर्च, ठीक है। ऐसे ही एक और ऑप्शन लगाते हैं इसी के नीचे और इसका नाम बना देते हैं सर्च नेक्स्ट और इसी के नीचे एक और ऑप्शन लगा देते हैं रिप्लेस, ठीक है, और इसी के नीचे एक और ऑप्शन लगा देते हैं रिप्लेस। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसके ऑप्शंस बना दिए। ऐसे ही फॉर्मेट में आ जाते हैं, यहाँ पे अपना नया आइटम लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एडवांस नोटपैड बना रही हूँ, तो हम ले रहे हैं सेट बैकग्राउंड, ठीक है। ऐसे ही एक और ऑप्शन लगाते हैं फॉन्ट में, तो हम यहाँ पे लेंगे सेट टेक्स्ट कलर। अब देखो जैसे हम मेन्यू आइटम ले रहे हैं ना ऐसे ही हम चेकबॉक्स आइटम भी ले सकते। अगर मैं सारी की सारी ऑप्शंस को क्या करना चाहती हूँ यहाँ पर चेकबॉक्स के अकॉर्डिंग भी लेना सकती, इसी में ही चेकबॉक्स भी लग जाए, ठीक है। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं कि आप यहाँ पर एक मेन्यू आइटम लगाओ पहले तो, या फिर सॉरी माई मिस्टेक, हम यहाँ पे एक सब मेन्यू बना देते हैं, और इसका नाम हम रख देते हैं स्टाइल, ठीक है। और स्टाइल लेने के बाद फिर आप चेकबॉक्स आइटम लें तो यहाँ पे चेकबॉक्स आइटम भी आ जाएगा, जिसके अंदर मान लो मैंने पहला ऑप्शन लगा दिया बोल्ड, ठीक है। ऐसे ही एक और चेकबॉक्स चाहिए, कॉपी करके इसको पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेंगे इटालिक्स, ऐसे ही एक और ऑप्शन ले लेते हैं प्लेन, ठीक है। लेकिन प्लेन लेंगे तो प्लेन और बोल्ड इकट्ठा तो नहीं आ सकता, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, इसको हम प्लेन ना लेकर क्या कर देते हैं
रीसेट, लेकिन हम ना इसको फिर क्या कर सकते हैं, ये कर लेंगे कि बोल्ड को, देखो बोल्ड और प्लेन तो इकट्ठा नहीं आ सकता, लेकिन प्लेन और इटैलिक आ सकता है ना, तो ऐसे काम करते हैं ना, फिर इसको लेते ही ले, सिर्फ बोल्ड और इटैलिक डाल देते, वो ही ऑप्शन रखते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर कंफ्यूजन आ जाएगी, फिर हमारे लिए लॉजिक बनाना मुश्किल हो सकता है, तो ये वाला जो ऑप्शन है अभी के लिए मैं इसको हटाएगी, बोल्ड और इटैलिक डालते हैं सिर्फ। प्लेन करने के लिए मैं एक ऑप्शन बता रही हूँ, देखो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक मेन्यू आइटम और ले लेते हैं, क्योंकि इसके हिसाब से ना मुझे आपको एक चीज भी सिखानी है, और वो हमारा टॉपिक भी इसी के साथ में कवर हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी मैं एक दो नई चीजें सिखाऊंगी आपको। यहाँ पर हम फॉन्ट ऑप्शंस करके एक डायलॉग बॉक्स ही अलग से बना देंगे, जिसमें फॉन्ट की सारी ऑप्शन आ जाएंगी, जैसे फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है ना, ऐसा ही हम एक डायलॉग बॉक्स खुद बनाएंगे, तो उसके हेल्प से हमारा सारा काम आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, मेन्यू वाला बन गया, तो मेन्यू समझ में आ गया कैसे बनाना है, ऑप्शंस ले सकते हैं, मेन्यू सब मेन्यू हमारे पास अच्छा खासा आ गया। अब यहाँ पर नीचे क्या करते हैं ना, यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट एरिया लगा देंगे स्क्रॉल पेन के साथ, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर सबसे पहले तो स्क्रॉल पेन ले लो और इसे ऐड करोगे यहाँ पे, लेकिन गड़बड़ क्या है कि अभी हमारा जो पेज है ना वो एब्सोल्यूट पे है, तो मैं क्या कर रही हूँ इसको ना मैं बॉक्स लेआउट पे ले जाती हूँ, क्योंकि बॉक्स लेआउट क्या करेगा, स्प्रेड कर देगा पूरे कॉम्पोनेंट, एंड आफ्टर दैट अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल पेन लगाते हो तो वो ऑटोमेटिकली पूरा विंडो ले लेगा। ये किसकी वजह से हुआ, बॉक्स लेआउट की वजह से। अब बॉक्स लेआउट में अगर आप एक एलिमेंट ही लगा रहे हो तो वो पूरी विंडो ले लेता है, दो लगाओगे तो वो हाफ हाफ कर देगा, तीन लगाओगे तो वो तीनों को इक्वली डिवाइड कर देगा, तो यूजुअली बॉक्स लेआउट ही काम। अब हम यहाँ पर एक ही लगा रहे हैं तो टेंशन नहीं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आप लोग टेक्स्ट एरिया लेते हो, ये टेक्स्ट एरिया, इसे उठाकर व्यूपोर्ट में लगा दीजिए, आ गया टेक्स्ट एरिया। अब इसके बाद क्या करो, स्क्रॉल पेन की जो स्क्रॉल बार है ना उनको मैं ऑलवेज पे डाल देती हूँ कि भाई शो तो करनी करनी, ओके, तो ये फीचर भी आ जाएगा। अच्छा एक और फीचर होता था ना हमारा वर्ड रैप वाला, याद है, तो हम क्या करते हैं फॉर्मेट में आते हैं और एक ऑप्शन चेक बॉक्स में यहां डालते हैं, जो कि क्या करेगा वर्ड रैप कराएगा, अगर चेक होगा तो वर्ड रैप होगा, नहीं होगा तो वर्ड रैप नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे भी लगा देते हैं। तो ये हमारा नोटपैड ना देखने में तो बन चुका है, अब इस नोटपैड को थोड़ा अच्छे से रखना है, तो मैं इसके फ्रेम को सिलेक्ट करके ना इसका टाइटल भी चेंज कर देती हूँ, तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, अनटाइटल्ड नोटपैड, ओके, और यहाँ पर आइकन की जो इमेज है इसे भी बदल देते हैं, तो ये फ्रेम को सिलेक्ट करने पे आएगी, ठीक है, तो एब्सोल्यूट पाथ इन फाइल सिस्टम चलते हैं, ब्राउज पे चलते हैं, और मैं इसमें पिक्चर्स में ले आती हूँ अपने सिस्टम की, यहाँ मैंने ना नोटपैड वाली इमेज नेट से डाउनलोड मार के रख रखी है, ठीक है, तो मैं इसको यूज कर लेती हूँ, आप चाहो तो आइकन मिल जाएगा नेट पे आपको, फाइन, तो हमारा नोटपैड का आइकन भी चेंज हो गया, तो इस तरीके से आपके पास क्या बन के आ गया, नोटपैड बन गया। अब ये जो पूरा का पूरा नोटपैड है वो कह सकता है ये असली है या नकली है, ठीक है, तो हमारे को यहाँ पर क्या मिल गया, नोटपैड मिल गया। अब नोटपैड हमारा है, इसमें हम कुछ भी टाइप करें, हाँ अभी बस ये है कि हमारे बटन बटन नहीं चलने वाले वहां पे पोल खुल जाएगी, लेकिन जैसे काम पूरा है हमारा, ठीक है, तो एडिट वगैरह आ गया, देखिए यहाँ पे इसका जो आ रहा है सब मेन्यू भी आ रहा है, और फॉर्मेट में जाएंगे तो यहाँ पे आके स्टाइल में ऑप्शन आ गई चेकबॉक्स की, फॉन्ट ऑप्शन भी आ रहा है, वर्ड रैप का चेकबॉक्स भी आ रहा है, अभी बस ये है कि स्ट्रक्चर बन गया, डिजाइन बन गया, अभी काम बाकी है, हाँ जी अभी छोड़ दो तो। अभी इतना ठीक है, ठीक है, फिलहाल इतना ही करते हैं, तो यहाँ पे फाइल में ना देखो आपको काम क्या करना है, अब आपको होमवर्क ये मिल रहा है, क्योंकि टेक्स्ट एडिटर तो आप लोग कर लोगे पूरा, इसमें अगर न्यू आए तो न्यू पेज आ जाना चाहिए, तो सेट टेक्स्ट करना पड़ेगा टेक्स्ट एरिया को, फिर ओपन आए तो फाइल ओपन करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, सेव के लिए आए तो सेव का आएगा, सेव एज में क्या होता है सेम फाइल की दूसरी कॉपी बनती है, ओके, तो ये चीज, और एग्जिट में डिस्पोज ऑप्शन यूज करोगे तो एग्जिट भी हो जाएगा। बाकी इसमें ना एडिट में कट का कॉपी का ऑप्शन आपको क्या करना है, लॉजिक बनाना है,
कट के और कॉपी के ऑप्शन में काम ये करना है कि अगर आप टेक्स्ट एरिया में से गेट सिलेक्टेड टेक्स्ट करोगे ना, तो जो भी टेक्स्ट सिलेक्टेड होगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो अगर सिलेक्टेड टेक्स्ट आ गया तो आप कट कॉपी कर सकते हो उसको, राइट? तो लॉजिक सोचना है इसका कि क्या होगा। तो ये वाले जितने ऑप्शंस हैं, इनमें से जितने ऑप्शन तुम लोग खुद से कर सकते हो ये ट्राई करना, जो नहीं होगा वो मैं करा दूंगी। नहीं, अच्छा बोला है, वैसे प्रिंट का भी लगा सकते हैं। चलो मैं बता दूंगी प्रिंट का कैसे कराने से, ठीक है? तो प्रिंट का भी बता दूंगी, लेकिन फिलहाल नोटपैड क्लियर है कैसे बनेगा हमारा? तो ये हमारा सेकंड ऐप क्रिएट हो जाएगा अगर हम इसको पूरा बना लेते हैं, राइट? तो ये हमारा एप्लीकेशन, मैंने कहा था ना कि तीन चार ऐप तो बनी जाएंगे हमारी छोटी छोटी सी। और इसमें देखो कितना लॉजिक सीखने को मिल रहा है, कितना मतलब हमने ये कह लो जितना अभी तक सीखा था ना, ये कह लो सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं हम यहाँ पर। हर चीज आ रही है, कहीं पे एरे लगा रहे हैं, कहीं पर कंडीशन लगा रहे हैं, कहीं पर लूप लगा रहे हैं, कहीं पर फंक्शन लगा रहे हैं। तो जितना सिखाया था, इनहेरिटेंस भी लग रहा है जब एक्सटेंड कर रहे हैं जे फ्रेम को, ठीक है? और लिसनर्स भी आ गए, इंटरफेसेस भी आ गए, तो ये कह लीजिए हर चीज ही आ गई जितना हमने अभी तक सीखा, राइट? तो इसी हिसाब से अगर हम काम करेंगे तो और बढ़िया काम भी हो सकता है, ठीक है? चलिए, फिलहाल यहाँ पर आप लोगों को नोटपैड तो क्लियर है कैसे बनेगा। अब इसका ना एक और ऑप्शन भी है जो हम लोग बना सकते हैं, जो कि कंटेनर इवेंट्स नहीं आता है। क्या आता है? टैब पेन आता है। अगर आप जे टैब पेन को क्रिएट करते हो, तो जे टैब पेन का मतलब है कि मल्टीपल टैब्स क्रिएट कर देना। तो अगर आप मल्टीपल टैब्स बना के काम करना चाहते हो तो जे टैब पेन का यूज करोगे। इसके लिए हम एक नया जे फ्रेम ले लेते हैं, ठीक है? तो मैं अभी ना आज क्या कर रही हूँ, मेन मेन सारे कंपोनेंट्स खत्म करवा रही हूँ, क्योंकि इसके बाद ना मेरे को चाहिए 2 दिन और उन 2 दिनों में हम लॉजिक ही पढ़ेंगे पूरा का पूरा। फिर नेक्स्ट वीक से आपको मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, आपको मैं बता ही चुकी हूँ, ठीक है? तो बता दूंगी जो भी शेड्यूल रहेगा। मैं पढ़ाऊंगी तो फिर वीकेंड में बुलाऊंगी, और मैं नहीं बुलाऊंगी मतलब वैसे तो कोशिश ये है कि किसी और से पढ़वाते हैं आप, क्योंकि आपका फिर वीकडेज में लैब बना रहेगा, वीकेंड में नहीं आना पड़ेगा, ओके? तो ये चीज रहेगी। तो अभी फिलहाल यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, इसमें जे फ्रेम बना रहे हैं, तो हम ले रहे थे टैब पेन टेम्प। तो देखिए, अगर आप लोग टैब पेन को क्रिएट करते हैं तो टैब पेन कैसे बनती है? टैब पेन बनाने के लिए भी हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा बेटर बना देते हैं साइज में, एंड इसके बाद यहाँ आ जाते हैं। इसको एब्सोल्यूट पे ले चलते हैं, या चलिए इसको भी हम बॉक्स लेआउट पे डालते हैं। अब देखो, अगर आपको टैब पेन लेना है ना, तो टैब पेन के लिए आपको क्या चाहिए होता है, यहाँ पे आपको ऑप्शन चाहिए होता है जे टैब पेन का। नहीं, यहाँ पे नहीं है, ये ऊपर होगा, ठीक है? तो जे टैब पेन। अब अगर मैं यहाँ पे टैब पेन को लगाती हूँ तो ये पूरा फ्रेम ले लेगा, क्योंकि ये टैब का पेन है। अब मुझे अगर यहाँ पे मल्टीपल टैब्स लगाने हैं तो उसके लिए मैं क्या यूज करने वाली हूँ, पैनल्स। जे पैनल लेंगे और पहला पैनल यहाँ डालते, तो ये कुछ ऐसा आ जाए। ऐसे ही एक और पैनल लेते हैं और इसको बिल्कुल इसके साइड पर लगा देते ऊपर, तो ये सेकंड टैब आ गया। ऐसे ही एक और पैनल लिया और इसको कहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, ठीक है? और फिर एक और पैनल बनाते हैं तो यहाँ पर आ गया, ओके? तो आप चाहो तो इन पैनल्स के जो नाम है, जैसे कि हमारे पास चार पैनल, तो जो फर्स्ट पैनल है ना, इसकी सेट, इसको यहाँ से सिलेक्ट करो, नीचे आओ, नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रही है टैब नाम से। जब आप इसको एक्सपैंड करोगे तो यहाँ पे आप टैब की मतलब जो ये ऊपर लिखा हुआ है इसकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हो, मतलब इसकी फॉर्मेटिंग, इसका नाम, इसकी वैल्यू, इसका कलर सब चेंज हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे हम किसकी फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, जो ऊपर नाम लिखा हुआ है टैब का। तो यहाँ पे अगर आपको इसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो यहाँ से आप इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। ऐसे ही अगर आपको एनेबल डिसेबल करना है, फोरग्राउंड चेंज करना है, तो फोरग्राउंड चेंज हो जाएगा। ऐसे ही आपको इसका क्या चेंज करना है, आइकन अगर लगाना है, भैया आपको नाम जो लिखा हुआ आ रहा है उसकी जगह क्या चाहिए, आइकन चाहिए, तो आप आइकन लगा सकते। अगर आप यहाँ पे इसका कोई शॉर्टकट बनाना चाहते हो तो निमोनिक बना सकते हो, बताऊंगी निमोनिक कैसे यूज होगा, ठीक है? ऐसे ही यहाँ पे टाइटल जो लिखा हुआ आ रहा है न्यू टैब, इसकी जगह अगर आपको कुछ और चाहिए
जैसे कि अगर लेट सपोज आप यहाँ पे मल्टीपल टैब्स को क्रिएट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर इसको कैसे ले सकते हो वो दिखा रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक मिनट ना, यहाँ पे मैं फाइल लिख देती हूँ, तो ये फाइल टैब बन गया। ऐसे ही यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसके ऊपर टूल टिप भी लगा सकते हो, ओके। तो ये इस तरह से काम कर रहा है। अब ऐसे ही हम दूसरे पैनल पे आते हैं, अगर मुझे इसका भी टाइटल चेंज करके इसको क्या बनाना है, एडिट बनाना है, तो ये एडिट का काम करा देगा। तीसरे वाले पे आते हैं, अब इसकी जगह पे मुझे क्या कराना है, फॉर्मेट कराना है, तो फॉर्मेट आ जाएगा। इस पे आते हैं, और अगर मुझे यहाँ पर क्या कराना है, प्रिंट कराना, तो हम प्रिंट भी करा सकते हैं। अब आप सोचोगे यार प्रिंट किसको कराएंगे, यहाँ पर तो सिर्फ टैब्स टैब्स आ रहे हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा टास्क करते हैं कि हमने जो यहाँ पे कंटेंट पेन लिया था, मैंने क्या लिया था, बॉक्स लेआउट। बॉक्स लेआउट मैंने ले तो लिया था, बट मैंने यहाँ पर एक से ज्यादा कॉम्पोनेंट्स नहीं डाले थे। मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर एक पैनल और ले लेती हूँ, और इस पैनल को हम कहाँ पे डालते हैं, देखिए मैं इसको डालने की कोशिश कर रही हूँ कंटेंट पेन में, लेकिन ये क्या होगा, साइड बाय साइड आ जाएगा। मुझे साइड बाय साइड नहीं चाहिए, मुझे टॉप में टैब्स चाहिए और नीचे ऑप्शन चाहिए। तो ऐसा करने के लिए ना हम एक काम और करते हैं, बॉक्स लेआउट की जगह मैं इसको किस पे कन्वर्ट कर देती हूँ, बॉर्डर लेआउट। बॉर्डर लेआउट में पांच ऑप्शन होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंटर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर आ रही हूँ, तो देखो ये मेरे को ऑप्शन दिखाएगा अपने आप ही, तो मैं इसको कह रही हूँ कि भाई साउथ में डालना मुझे, या फिर मुझे कहाँ पे बैठू डालनी है, मुझे पैनल तो चाहिए लेकिन मुझे उसको कहाँ पे रखना है, सेंटर में। लेकिन सेंटर में ना वो ऑलरेडी इसको लगा चुका है जो टैब आया हुआ है, तो अभी के लिए क्या करना पड़ेगा फिर मुझे, इसका प्लान अभी 2 मिनट के लिए ड्रॉप करते हैं और यहाँ आते हैं। तो ये जो मेरा टैब पेन है, ठीक है, इस टैब पेन को हम कहाँ लगा देते हैं, टॉप में, मतलब नॉर्थ में, ठीक है। और ये जो पैनल था इसको हम लगा देते हैं कहाँ पर, सेंटर, ओके। तो अगर मेरा टैब पेन ऊपर लग गया और ये यहाँ आ गया, तो मेरे को तो फायदा हो जाएगा ना इसका। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस दिखाने के लिए कि भाई क्या क्या ऑप्शन आती है, तो आप फाइल के ऑप्शन यहाँ डाल दो, सेव दे बटन बटन जो लगाना है, चेकबॉक्स लगाना है, जैसे आप वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में लिखते हो वैसा वाला बन जाएगा, ठीक है। तो वो वाला यहाँ पर व्यू बन जाएगा। तो अगर मान लो आपने यहाँ पे कुछ भी लगा दिया, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर जे बटन्स लगाने, तो फाइल वाले में मैंने जे बटन लगाया। अच्छा देखो ये वाला जो है ना, ये भी एक पैनल ही है, और इस पैनल का जो लेआउट है वो पता है क्या है, फ्लो लेआउट। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका लेआउट क्या है, फ्लो लेआउट। इसको चेंज करना पड़ेगा आपको पैनल के लेआउट को। तो एब्सोल्यूट करके मान लो मैंने इसे यहाँ पे लगा दिया फर्स्ट बटन पे, लेट सी मैंने इसके ऊपर क्या लगा दिया, ओपन, ठीक है। ऐसे ही एक और बटन बना दिया यहाँ पर, इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, सेव, ठीक है। तो ऐसे ही आप चेकबॉक्स भी लगा सकते हो, रेडियो बटन, टेबल, कुछ भी लगा सकते हो जो आपको लगाना है, ठीक है। जितने कॉम्पोनेंट सीखे हैं सब लग सकते हैं, सब पैनल भी बन सकता है यहाँ पे, तो सब कुछ बन सकता है। तो उसके बाद जो नीचे वाला पैनल है, इस पैनल को मैं क्या कर देती हूँ, मैं इसको स्क्रॉल पेन दे देती हूँ, और इस स्क्रॉल पेन में क्या लगा देते हैं, टेक्स्ट एरिया भी लगा देते हैं। अरे यार गलती हो गई, स्क्रॉल पेन लगाने से पहले इस पैनल का लेआउट बदलना था, क्या लगाना था, बॉक्स लेआउट, और फिर स्क्रॉल पेन लगानी थी ताकि ये इसको स्प्रेड कर दे पूरे में, और फिर इसके अंदर आप क्या लगाएंगे, टेक्स्ट एरिया लगाएंगे, ठीक है। और स्क्रॉल पेन जो है इसके स्क्रॉल बार्स को मैं ऑलवेज पर डाल, एंड आफ्टर दैट यहाँ पर जो एडिट वाला मेन्यू है, देखो आप एडिट के मेन्यू को हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो टैब पेन में आप क्या करिए, पहला वाला तो ये था, अब सेकंड वाला ये है, ठीक है। तो ये वाला पैनल जो है वो सिलेक्ट होकर आ गया एडिट का। अब एडिट में क्या लगाना है, मान लो मुझे चेक बॉक्सेस लगाने, अब यहाँ पर भी देखो वही चक्कर हो रखा है फ्लो लेआउट वाला,
है ना। तो मान लो चलो अभी लगाई देते हैं इसको, तो पहला चेक बॉक्स मैंने लगा दिया किसके लिए, एडिट में फॉर एग्जाम्पल कुछ भी लगा देते हैं, क्या लगाया जाए, सिलेक्ट ऑल, कि भाई अगर किसी को सिलेक्ट ऑल करना है, जैसे ही चेक बॉक्स सिलेक्ट होगा सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमें क्या करना है, यहाँ पर ऐसे ही और भी ऑप्शन लगाने हैं तो वो लगा सकते हैं, ऐसे ही अगर फॉर्मेट पे ऑप्शन लगाना है फॉर्मेट पे भी लगा दो, प्रिंट पे लगाना है प्रिंट पे भी लगा दो। अभी के लिए, फिलहाल के लिए मैं क्या कर रही हूँ, फॉर्मेट वाला जो पैनल है इसके अंदर मैं एक लेबल लगा के छोड़ रही हूँ, ताकि पता चल जाए कि हम ये वाले वही पैनल में है, तो पता नहीं चलेगा। और इसको F2 करके मैं क्या लिख रहती हूँ, फॉर्मेट पैनल। आप इसमें कोई भी ऑप्शन लगा सकते हो, इसी को कॉपी करते हैं और प्रिंट वाला जो पैनल है इसमें आ जाते हैं और इसको लगाते हैं, और इसको हम क्या बोल देते हैं, प्रिंट पैनल। अब देखो ये जो टैब पेन हमने बनाया है ना, अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करती हूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो नीचे टेक्स्ट एरिया आ रहा है जहाँ पे आप टाइप कर सकते हो, और ऊपर आपके टैब्स आ रहे हैं, जैसे फाइल टैब है, एडिट टैब है, फॉर्मेट टैब है, प्रिंट टैब है। बढ़िया काम। तो मतलब आप नोटपैड की जैसे ही वर्ड वाला फीचर भी डाल सकते हो यहाँ पे, तो आपका ऊपर टैब बन जाएंगे बहुत सारे, तो यहाँ पे भी आप काम करा सकते हो। ओके, तो अभी तो मैंने सिर्फ दिखाने के लिए बताया है, क्योंकि चीजें वही रिपीट हो रही है कि भाई ऑप्शन बनानी है कहीं पे भी बना दो, चाहे मेन्यू बेस बनाओ चाहे टैब बेस बनाओ, वो आपके ऊपर है, तो आप ऐसे भी काम कर सकते साइज हैं। हाँ, एडजस्ट कर सकते हैं ना, मतलब ओपन एंड सेमी कलर अगर मैंने ऐसे किया तो ये बड़ा हो जाएगा। ये सब यहां पे ओपन एंड सेमी कलर अगर वो छोटा सा होना चाहिए, मतलब बहुत सारा वो छोटा चाहिए होगा तो फिर वो तो बटन का साइज आप जैसे करते हो ना नॉर्मल ड्रैग ड्रॉप करके चेंज कर लो, हो जाएगा। पैनल का साइज चेंज करना है, इसको थोड़ा और छोटा करना है कि बड़ा करना है, तो अगर ये वाली चीज का साइज बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, जैसे आपका ये टैब पेन चल रहा है ना, क्योंकि ये सब चीजें टैब पेन में, सो टैब पेन पे जाओगे और यहाँ पर इसके एडवांस प्रॉपर्टीज में आओगे, अगर इसका साइड एडजस्ट करना है तो यहाँ पर एक ऑप्शन आती है प्रेफर्ड विड्थ या प्रेफर्ड साइज, प्रेफर्ड साइज में जाकर आप साइज बता सकते हैं, आप जितना साइज बताओगे ना ये उतना ही बड़ा हो जाएगा, क्योंकि देखो विड्थ तो एडजस्ट नहीं हो सकती, हाइट हो सकती है, तो हाइट के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर आप बताओगे लेट सपोज मैंने 50 रखा, ओके किया तो ये थोड़ा और छोटा हो गया, ठीक है, तो ये इस हिसाब से यहाँ से प्रेफर्ड साइज से हो जाएगा। ओके, तो ये आप कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा करना है तो बड़ा कर लो, छोटा करना है तो छोटा कर लो। तो टैब पेन क्लियर है सबको, और नोटपैड वाला ऑप्शन जो हमने किया था मेन्यू वाला वो बस समझ में आ गया। इसके साथ में हमारे पास जो ऑप्शंस थी, तो मैंने कहा ना ये कंटेनर ऑप्शंस है सारे के सारे, ऐसे ही आता है जेट्री। जेट्री क्या करता है, ये आपको एक ट्री फॉर्मेट बना के दे देता है, जैसे कि ट्री मतलब होता है ना, जैसे कि आपका पास फोल्डर वाला साइड पर जो प्रोजेक्ट मैनेजर आता है जैसा बना, बिल्कुल वैसा तो नहीं आएगा, ये अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग देगा, लेकिन वैसा ही आपको स्ट्रक्चर बना कर देते। तो अगर आप लोग जेट्री का यूज करते हो तो यहाँ पे कैसे यूज करोगे वो देख लेते हैं। लेट सपोज, चलिए एक काम करते हैं, इसी में लगाते हैं जेट्री भी, ठीक है। इसका नॉर्थ साइड सॉरी ईस्ट साइड तो खाली पड़ा है ना, घर लगा देंगे इसको, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग जेट्री को लगाते हैं, तो जेट्री के लिए आप ऑप्शन में यहाँ पे जाओ, लेकिन अगर आप चाहो तो आप ये भी कर सकते हो कि पहले एक पैनल ले लो, पैनल को नॉर्थ में लगाओ, फिर उसमें क्या लगाओ, ट्री लगाओ। तो पैनल को ले लेते हैं, और इस पैनल को मैं इसके कहाँ लगा रही हूँ, नॉर्थ साइड पर, ये पहले आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं लगाना है, इस ऑप्शन में लगाना, लेकिन ये देखो ये कॉलम हेडर रो हेडर दे रहा है ना, तो ये इसका ऑप्शन नहीं है, इसका ऑप्शन ये वाला। तो इसको ना बहुत ही केयरफुली लगाना, नहीं तो ये गलत जगह लग जाएगा। अब जब पैनल लग जाता है ना, तो पैनल ऑटोमेटिकली बड़े साइज में नहीं आता है, छोटे साइज में आता है, तो हमें क्या करना है, इसकी प्रेफर्ड जो विड्थ है इसको बढ़ाना है, हाइट को नहीं बढ़ाना, विड्थ को बढ़ाना है। तो विड्थ के केस में मैं इसको अगर मान लो 100 दे दूं, तो ये क्या करेगा, इसके विड्थ को बढ़ा देगा, लेकिन अभी नहीं बढ़ा, तो चलिए यहाँ पे आते हैं एक बार फिर से, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसको
200 कर देते हैं। तो ये जो पैनल आ रहा है ना, एक्चुअली इसका जो साइज है, अच्छा ये चेंज ही नहीं हुआ। ठीक है, तो अभी अगर आप यहाँ पे इसका साइज बढ़ाते हो, मैं 100 कर देता हूँ, तो ये ऐसे आ जाए। ठीक है, तो प्रेफर्ड साइज बढ़ा दिया क्योंकि मैंने इसको नॉर्थ साइड पे मतलब ईस्ट साइड पे लगाया था। और यहाँ पर जब वैल्यू आ गई, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें जे ट्री का ऑप्शन भी मिलता है। जे ट्री आपको यहाँ से मिल जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पर लगाती हूँ, तो ये जो पैनल है ना, सबसे पहले तो इसको हम किस पे सेट कर देते हैं, इसका लेआउट चेंज कर रही हूँ मैं। इसको मैं ले जा रही हूँ बॉक्स लेआउट। उससे क्या होगा कि ये जो ट्री है ना, वो पूरा एक ही में आ जाएगा। ओके, अभी ये बाय डिफॉल्ट ना आपको दिखाने के लिए कि ट्री कैसा होता है, तो ये अपने आप कुछ कंपोनेंट्स दिखा रहा है, तो इस तरह से ये कुछ दिखेगा आपको। अगर मैं इसको एक्सपैंड करती हूँ, तो इसमें वैल्यूज आ जाए, तो दिस इज कॉल्ड जे ट्री। अब जे ट्री में वैसे तो देखा जाए तो इनमें से आपको कोई भी कॉम्पोनेंट नहीं मिलने वाला है। अगर मैं इसके सोर्स में जाती हूँ ना, तो देखो सोर्स में सिर्फ जे ट्री बना हुआ है और कुछ नहीं है। तो ये सिर्फ एक डेमो है। डेमो का मतलब समझ रहे, इसमें हम कोई काम नहीं करा सकते। काम करवाने के लिए क्या करना है, मैनुअली रखाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, एक ऑप्शन मिलता है डिफॉल्ट म्यूटेबल ट्री नोड। क्या ऑप्शन मिलता है, डिफॉल्ट म्यूटेबल ट्री नोड। अगर मैं इसका ऑप्शन लेती हूँ, तो मैं एक रूट बना देती, क्योंकि अगर ट्री बनाना है तो उसका रूट होना चाहिए। और रूट के अंदर न्यू करके डिफॉल्ट म्यूटेबल ट्री नोड का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, सिलेक्ट, मान लो मैंने लिख दिया सिलेक्ट ऑप्शंस। ओके, तो हमने एक ट्री क्या बना दिया, रूट बना रहे हैं। और लास्ट में ना हमें बस इसी रूट को ही ऐड करना हो, और हमें इसके बाद जिसको भी ऐड करना है रूट में ऐड करा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे ही और ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, कॉपी करते हैं पेस्ट करते हैं। तो मान लो मैंने एक और ऑप्शन बनाई, इसका नाम मैंने रख दिया कलर्स, और यहाँ पे मैंने इसका नाम भी कलर्स रखा। ठीक है, और अभी मुझे लास्ट में क्या करना होगा कि रूट में ऐड करना होगा कलर्स। लेकिन कलर्स में कुछ भी तो कुछ होना चाहिए, कलर्स तो सब ऑप्शन हो गया। अब इसके भी सब ऑप्शन बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और ले लेते हैं। अब मैं कलर्स ले रही हूं, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, रेड, और इसका भी नाम क्या बना दिया, रेड। ऐसे ही एक और बना देते हैं ऑप्शन, इसका नाम हमने यहाँ पर क्या ले लिया, ग्रीन। यहाँ पर हम इसको क्या ले लेंगे, ग्रीन पे ले लेंगे। ऐसे ही यहाँ एक और ऑप्शन ले लेते हैं, और इसका नाम रख देते हैं ब्लू। तो यहाँ पर भी इसका नाम हम क्या ले लेंगे, ब्लू। ठीक है, अब तीन कलर्स लगा दिए मैंने यहाँ पर, और अब तीनों कलर्स के लिए हम क्या करेंगे, इनको कलर्स वाले टैब में ऐड कर देंगे। सो कलर्स डॉट ऐड रेड, कलर्स डॉट ऐड ग्रीन, कलर्स डॉट ऐड ब्लू, और कलर को हम पहले ही ऐड कर चुके हैं। तो ये हमारा पहला ऑप्शन सेट हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही हम दूसरा ऑप्शन लेंगे। यहाँ पे मान लो मैंने इसके अंदर लिया एक और ऑप्शन, हॉबीज। ठीक है, तो ये मेरा सेकंड क्या बना, सब ऑप्शन बन जाएगा, और इसको भी हम रूट में ऐड करें। और अब क्योंकि हॉबीज के पास भी वैल्यू होनी चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ वैल्यूज डाल देते हैं, जैसे कि रीडिंग लगा दिया, और यहाँ पे आके क्या लगा देंगे, रीड कर देते हैं। ऐसे ही एक और ऑप्शन लगा देते हैं इसमें, और दूसरी ऑप्शन मैंने डाल दी राइटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसके अंदर क्या लगा दिया, राइट लगा। और इसके बाद जब दोनों ऑप्शन बन जाती हैं, तो आप हॉबीज के अंदर और भी ऑप्शन लगाना चाहो तो उतने नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो हॉबीज डॉट ऐड करके हम यहाँ पे लगा देते हैं रीड, और हॉबीज डॉट ऐड करके हम क्या बना देंगे, राइट बना देंगे। और हॉबीज को हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं रूट में, और रूट को हम ट्री में ऐड कर चुके हैं। अब अगर आप इस प्रोग्राम को रन करते हो, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। लेकिन अभी देखो, इसमें ना ऑप्शंस जो हैं
वो हमारी आ नहीं रही ढंग से, है ना, क्या कर रहा है ये, इसको हाइड सा कर रहा है। तो क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं, डिजाइन पे आते हैं इसके, क्योंकि जो हमारा इसका प्रेफर्ड विड्थ था ना वो गलती से छोटा हो गया था, क्योंकि जब हम प्रेफर्ड विड्थ लगा रहे थे तो इसकी लग गई थी उसकी जगह पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी प्रेफर्ड साइज जो था ये रहा, इसको हमें थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। तो विड्थ तो हम इसको कितना दे देते हैं, 100 दे देते हैं, और इसकी जो हाइट है वो हम कर देते हैं 500, ठीक है। ओके, अब मैंने इसका प्रेफर्ड साइज तो बढ़ा दिया है। ये जो पैनल है, अभी इसको रन करते हैं। आई थिंक ये उसमें उठाएगा नहीं, चलिए कोई नहीं। फिर हम क्या करते हैं, पैनल का जो लेआउट है इसको बदल देते हैं, क्योंकि ये लेआउट की प्रॉब्लम है। तो हम क्या करते हैं, इसका लेआउट ना एब्सोल्यूट ही कर देते हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारी ट्री है ये, इसका साइज फिर हम अपने हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व, नहीं कुछ किसी से कुछ ना हो तो एब्सोल्यूट लगा लो, ठीक है। तो एब्सोल्यूट लगा देते हैं, तो एब्सोल्यूट में हमारी ऑप्शंस आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे कलर्स भी आ गए, हॉबीज भी आ गए। इसको थोड़ा और बड़ा कर दोगे विड्थ वाइज तो और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारी ये ट्री स्ट्रक्चर बन जाएगी। हाँ, डायनामिकली कर सकते हैं, लिसनर लगाना पड़ेगा कि जब सिलेक्शन होगा तो हम इसका साइज बड़ा करते हैं, ठीक है, तो वो उससे हो जाएगा। हाँ जी, और इसमें ये भी कर सकते थे कि जैसे ये ट्री है आपका, अब मैंने अगर इसको हटाया और लगाया ना तो पता प्रॉब्लम क्या होगी, वो डिफॉल्ट वाली जो हमने बनाई है वो सारी दोबारा बनानी पड़ेगी, इसलिए मैं हटाऊंगी नहीं इसको, ठीक है। या फिर कट कॉपी पेस्ट करके करना, ठीक है, या तो क्या करो पहले कट कर लो ताकि वही प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आप इसको क्या करो, ऐड करो, तो उससे क्या होएगा कि आपकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कट कर लेते हैं 1 मिनट के लिए इसको, और इसका जरा रूट उड़ा देते हैं। डिजाइन पे आ जाओ, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट वाला दिखा रहा है, लेकिन ना अभी मैं क्या कर रही हूँ, इसको ना यहाँ से 1 मिनट के लिए डिलीट कर दूँ, ठीक है। क्यों, ये जो पैनल है, अगर मैंने इसके अंदर क्या लगाया था ना, बॉक्स लेआउट लगाया था, तो एक्चुअली मैं इसके अंदर कोई स्क्रॉल बार नहीं आ रही, तो मुझे अगर स्क्रॉल बार चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, स्क्रॉल पेन लगा देते हैं। तो स्क्रॉल पेन लगा, राइट। अब स्क्रॉल पेन के अंदर क्या लगाओ, जेड ट्री लगाओ। अभी ठीक आ गई ना ये, पहले प्रॉब्लम कर रही थी, स्क्रॉल पेन लगा के करना, पहले बॉक्स लेआउट, फिर स्क्रॉल पेन और फिर जेड। एंड आफ्टर दैट आ जाओ सोर्स पे, क्योंकि हमें बाकी का ट्री ऑप्शन चाहिए ना अपने हिसाब से, तो इसे लगा देते हैं जो हमने कट किया था। और फिर यहाँ पर ट्री के ब्रैकेट में क्या डाल दो, रूट। अब अगर इसको रन करते हो, ये तो खाया भी कर दिया इसने, चलिए कोई नहीं, आते हैं यहाँ पर देखते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ होगा। तो देखो रूट हमने ले लिया था, एक्चुअली इसने पता है क्या किया, कोड ना थोड़ा सा गायब कर दिया इसने, ये गलती हो गई हमसे। एक बार चेक करते हैं जरा यहाँ पे गड़बड़ हुआ, क्योंकि ऐसे तो नहीं करना चाहिए था इसको।